करनाल में भी बल्लभगढ़ में एक युवती की गोली मारकर हत्या का विरोध होना शुरू हो गया है। महिलाओं द्वारा गठित मर्दानी फाउंडेशन की ओर से हत्या करने के मामले को लेकर लघु सचिवालय पहुंचकर रोष दर्ज करवाया गया। इस दौरान दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की गई। मर्दानी फाउंडेशन की सोनिया तंवर ने कहा कि हत्यारों द्वारा सरेआम लड़की को गोली मारी गई, जो कैमरे में भी रिकॉर्ड है, इसलिए दोषियों को फांसी की सजा देने में कोई देरी नहीं करनी चाहिए। इस मामले में सरकार द्वारा फास्ट ट्रैक के माध्यम से जल्द न्याय करते हुए दोषियों को एनकाउंटर किया जाना चाहिए एवं फांसी की सजा दी जानी चाहिए, ताकि समाज में गुनाह करने वालों पर नकेल कसी जा सके। उन्होंने कहा कि दिन दहाड़े हुई हत्या से महिलाओं में असुरक्षा की भावना पैदा हो गई है और लोग अपनी लड़कियों को पढ़ने के लिए भेजने में भी डरने लग गए हैं, इसलिए समाज में पॉजिटिव मैसेज देने के लिए जल्द से जल्द इस मामले में दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा फांसी दी जाए, ताकि मृतका के परिजनों को न्याय मिल सके। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि साइबर क्राइम के मामले भी बढ़ते जा रहे हैं और महिलाओं को सरेआम गलत शब्द प्रयोग कर सोशल मीडिया के माध्यम से प्रताड़ित किया जा रहा है। पुलिस को ऐसे मामलों में भी तत्परता दिखाते हुए आरोपियों पर शिकंजा कसना चाहिए। इस अवसर पर बड़ी संख्या में मर्दानी फाउंडेशन से जुड़ी महिलाएं मौजूद रही। करनाल से समाचार एक्सप्रेस की रिपोर्ट। इनसे हम जानना चाहेंगे बढ़ रहे अपराध बेटियों के। देखिए, कहने को कुछ बचा नहीं है, सब कुछ क्लियर है, सामने है सबके। दिन दिहाड़े बल्लभगढ़ में एक बेटी को शरेआम मार दिया जाता है, और वो भी गोलियों से मार दिया जाता है। अभी तक भी कोई उनके पास कोई ट्रैकिंग, कोई ट्रेसिंग कोई नहीं हुई है, जो हत्यारे हैं। जो दूसरी बात, अभी पिछले दिनों हम एक भूख हड़ताल पर बैठे थे साइबर क्राइम के उसको लेकर, तो अब फिर दोबारा रिपीट हो रहा है हमारे साथ। उसमें कोई रोकथाम नहीं हुई है, कोई कुछ नहीं हुआ है। लगातार हमें मेंटली हरासमेंट किया जा रहा है, लगातार फ़ोन कॉल्स मैसेज हमें आते रहते हैं, जिनके भी हम सारे प्रूफ अपने साथ लेकर आए हैं और SP साहब से भी मिलेंगे हम। दूसरी बात, आज महिलाओं के मान सम्मान की बात है, हम क्या मांग रहे हैं आपसे, सिर्फ महिलाओं की सुरक्षा। आज सरकार बड़े बड़े दावे करती फिर रही है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन आज सिर्फ बेटियों को मरवाने का काम किया जा रहा है, कभी बलात्कार के नाम पर, तो कभी दिन दिहाड़े उनके ऊपर गोलियां, उन पर जबरदस्ती किसी बात को रखा जाता है। तो आज मेरी सरकार से, सभी प्रशासन से ये अनुरोध है कि जल्दी से जल्दी इन पर लगाम लगाई जाए, अन्यथा आने वाला वक्त है जो वो ऐसा होगा कि महिलाएं खुद स्वयं सुरक्षा के लिए बंदूकें तान कर निकलेंगी। और मर्दानी फाउंडेशन आपको ऑन कैमरा कह रही है कि अगर इन पर कोई भी लगाम नहीं खींची गई, हम तुरंत प्रभाव से फिर धरने के लिए तैयार हैं और अनिश्चित काल भूख हड़ताल तक बैठने के लिए तैयार हैं। इसलिए करनाल प्रशासन से खासकर और हरियाणा के टोटली प्रशासन से मैं अनुरोध करती हूं कि इस पर लगाम खींच की रखी जाए। तो इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हमारे क्या कहीं ना कहीं, मैं आप सभी मीडिया के माध्यम से बता देना चाहती हूँ कि ये जिनसा बल्लभगढ़ का केस हुआ है, और ये जो आप ये कह रहे हैं कि व्हाट्सएप फेसबुक में जो अश्लील वीडियो वगैरह सारी आती हैं, ये कहीं ना कहीं प्रशासन की निकम्मी कार्रवाई तो रहती है। अब बल्लभगढ़ का केस देख रहे हो आप, क्लियरली दिख रहा है उन्होंने गोली मारी है और अभी तक वो उनको अंदर किया गया है। अब क्या होगा, दोनों तरफ से पैरवी होंगी, ट्रायल चलेगा, उसके बाद बरी भी हो सकता है। जब वो गोली मुजरिम गोली कर सकते, अपराधी गोली मार सकते हैं, तो क्या हमारे कानून में कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है जिसमें सूट एंड साइट हो सके। बल्लभगढ़ वाले केस से पहले UP वाला केस देख लो, उसमें भी गाड़ी पलटी थी। अगर उसमें गाड़ी पलट के सूट एंड साइट हो सकता है, क्या हमारी बेटी को कोई इंसाफ नहीं मिल सकता? ये तमाशा बना रखा है प्रशासन ने सरेआम वीडियो की इज्जत लूटने के लिए, इससे ज़्यादा इनके पास कुछ नहीं है, इनका काम यही है। जब क्रिमिनलों को इतना इन्होंने, आपने भी बोला अभी कि जब ट्रैफिक में चालान काटने के लिए इनका सारा कुछ रिकॉर्ड होता है और घर तक भेज देते हैं, ये मुजरिमों को पकड़ने के बाद इसके ट्रायल तक छोड़ देते हैं उन्हें। शर्म आती है ऐसी निकम्मी सरकार पर, जहाँ बेटियों के सरेआम बलात्कार होते हैं और उसके बाद भी आँख मूंद करके बैठी रहती है। उसने धर्म परिवर्तन नहीं किया, उसका ये गुनाह था कहीं ना कहीं। ये जो आरोपी हैं उनको गिरफ्तार किया है, वो सुरक्षा की तो है जो अभी तक बैठे हुए हैं, क्यों नहीं कुछ हुआ उनके साथ, एनकाउंटर क्यों नहीं हुआ उनके साथ? क्योंकि वो राजनेताओं के चंगुल से बैठे हुए हैं, घुसखोरों से बैठे हुए हैं। और क्या हो रहा है यहाँ पर, ये सरकार ही खराब हो रखी है, भ्रष्ट प्रशासन, भ्रष्ट सरकार, जहाँ पर बेटियों की इज्जत ही लूटने का काम होता है। और होता है क्या यहाँ पर, हम तो सारे हम इसीलिए पहले भी हमें बैठे धरने पर, शायद फिर दोबारा से अब शुरू होगा यही काम हमारा। कि उस लड़के ने उसको गोली मारी है, तो
हम लोग आज मर्दानी फाउंडेशन की तरफ से राष्ट्रपति जी के नाम पर एक ज्ञापन सौंपने के लिए आए हैं, जिसमें हमने ये रिक्वेस्ट की है कि क्योंकि ऑन रिकॉर्डिंग लड़का उसको गोली मार रहा है, तो वहाँ पर कारणों पर जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बेटी ने तो अपना जीवन ख़त्म कर हो गया उस बेटी का जीवन, और माँ बाप ने अपना बच्चा खो दिया। तो मतलब ऐसे हत्यारे के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट में कोर्ट केस चलना चाहिए और तुरंत प्रभाव से हम लोग उसके लिए फांसी की मांग करते हैं। जो शहरों में एक, एक चौकों पर कहीं ना कहीं कैमरे लगे, सिर्फ वो चालान काटने के लिए रह गए हैं। लगता तो ऐसा ही है, चालान तो घर पहुंच जाते हैं अपराधियों को मतलब पकड़वाने के लिए, जो शिकायत करता है उनको। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.